नमस्कार, हम राजीव बचार। आज हम अपने सबके मौलिक जड़ किलो पार्टी जेकर संयोजन श्री सुशील गौतम द्वारा होल बा, उहे पार्टी के सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत राज्य राष्ट्र के बारे में सार संक्षेप में बताए जाए द्वारे। राष्ट्र राज्य राष्ट्रीयता के परिभाषा दे वाला यूरोप केंद्रित सिद्धांत राष्ट्र राज्य बा। आदमी सबके जन्म से प्राप्त होला जात धर्म भाषा रूप रंग करिया गोर क्षेत्रीय पहचान के राष्ट्र कहिया। आ ई में से कौनो भी राष्ट्र के आधार में कानूनी रूप में राज्य बन सके कह के मान्यता रखैया। द्विराष्ट्रीय राज्य बहुराष्ट्रीय राज्य एक प्रकार बा। द्विराष्ट्रीय राज्य दुगो राष्ट्र के आधार में राज्य पाए वाला मान्यता, बहुराष्ट्रीय राज्य दुगो से बहुत राज्य पाए वाला मान्यता बोकले बा। अंश ही राष्ट्र राज्य राष्ट्रीयता के परिभाषा देवे वाला पूर्वी दर्शन में आधार सिद्धांत बाटे राज्य राष्ट्र। राज्य ही राष्ट्र है या कोनो भी व्यक्ति के राष्ट्रीयता राज्य के आधार में होइया। राष्ट्र राज्य सिद्धांत यूरोप केंद्रित राज्य व्यवस्था है। राष्ट्र सब विशेषण आ राज्य सब विशेष के स्थान में रहिया। राष्ट्र राज्य में कोनो योग्य जाति भाषा धर्म अनुहार के रूप रंग के आधार में राष्ट्रीयता निर्धारण करे वाला सिद्धांत राष्ट्र राज्य सिद्धांत बाटे। इस सिद्धांत यूरोप में बन रहलक। स्पेनिश भाषा बोले वाला के लागि स्पेन, आ जर्मन भाषा बोले वाला के लागि जर्मनी, फिनिश भाषा बोले वाला के लागि फिनलैंड, आ अंग्रेजी बोले वाला के लागि इंग्लैंड। भाषा लगायत जन्म के आधार में प्राप्त होय वाला जाति प्रजाति आ धर्म के आधार में राष्ट्रीयता बनला के बाद राष्ट्र निर्माण करे वाला सिद्धांत राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट सिद्धांत। जैसे कि स्पेनिश भाषा के राष्ट्रीयता के आधार मान के स्पेन बनलै, औसी इस्लाम धर्म के एगो राष्ट्र मान के कोसोवो नाम के राज्य बनलै। जातीयता के आधार में राष्ट्रीयता निर्धारण होला के बाद अखनी क्रोशिया राज्य भेल बाटे। फरक फरक ठाव में रहे वाला सामाजिक अंतर गुजर न हो वक़्त के यूरोप के परिस्थिति के संबोधन करे के लागि राष्ट्र राज्य अपनैले रहे। जन्मल आधार में राष्ट्रीयता बनला के कारण से ई सिद्धांत अपना से फरक भाषा जात धर्म आदि अपनाए वाला के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखैया। आ एकरे कारण द्वेष घृणा के अवस्था विकसित होइया। इटाली के फासीवाद आ जर्मनी के नाजीवाद इस सिद्धांत के निकृष्टतम रूप बाटे। द्विराष्ट्रीय राज्य द्विराष्ट्रीय राज्य राष्ट्र राज्य सिद्धांत के एगो प्रकार बा। दुगो फरक जात चाहे धार्मिक संप्रदाय भाषा छाला के रंग आँख कान नाक आदि के आधार में राष्ट्रीयता अपने आय वाला मातुर समझौता के कारण एवटे राज्य में रहे वाला अवस्था द्विराष्ट्रीय राज्य बा। आर्थिक स्वार्थ चाहे बाहरा के राजनीतिक अवस्था के कारण तत्काल के लागि समझौता में रहेला मात्र भीतरी रूप में प्रश्न विभाजन रहिया। जौन दिन अपन स्वार्थ पूरा न होया चाहे जौन दिन बाहर के राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन अवैया, द्विराष्ट्रीय राज्य फरक फरक राष्ट्र राज्य में परिवर्तन हो जाइया। उदाहरण के लागि चेकोस्लोवाकिया के ले सकै छी। चेक आ स्लोवाक जाति सबके राष्ट्रीयता मिला के चेकोस्लोवाकिया राज्य बन रहलक। आपस में भाषा आ जातीयता फरक रहलक तैयो आर्थिक कारण से एवटे राज्य में रहलक। सन 1991 में चेक सबके पर व्यक्ति आय 20% बढ़लक। मातुर दीर्घकालीन रूप में आर्थिक सूचकांक निमन न रहलक। वही से चेक सब स्लोवाक के समान वितरण करे में असमर्थ भेला के बाद में सन 1993 में दुगो राज्य अस्तित्व में आ गेल। चेक जाति के लागि चेक गणतंत्र आ स्लोवाक जाति के लागि स्लोवाकिया। भारत स्वतंत्रता संग्राम के बात करम त सवारकर हिंदू धर्म के आधार में इंडिया के राष्ट्रीयता के परिभाषा देले रहलक। औसी मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान धर्म के आधार में मुसलमान बाहुल्यता भेल ठाव के लागि अलग राष्ट्र बना के अडान लेले रहलक। दुगो धार्मिक संप्रदाय के राष्ट्रीयता के कारण आज इंडिया आ पाकिस्तान नाम के राज्य के जन्म हो गेल बा। इस्लाम धर्म के राष्ट्रीयता के आधार मान के बनल पाकिस्तान फेरु सन 1971 में भाषा के आधार में दुगो राज्य बन गेल जेकरा लोग बांग्लादेश के नाम से जनैया। हुबा अभी तक जातीयता के आधार में बलोचा गिलगित के विद्रोह है थी बा। तराई मधेश केंद्रित दल सब नेपाल के द्विराष्ट्रीय राज्य दावी कैले के अर्थ भी एने बा। सगुन पहाड़ के आदमी आ सगुन तराई के आदमी सबके छाला के रंग आ क्षेत्रीय पहचान फरक फरक होला से ई दुगो भौगोलिक
अवस्थिति या छालाके रङ्गके आधारमे नेपाल दुगो राष्ट्रियता बा मातृ सम्झौताके कारण एउटै नेपाल राज्यमे रहल बाध्य होइल बा कहके दावी करैया, जेकरा कारण चाहिँ नेपाल सरासर विखण्डनके दलदलमे पहुँच जाए। बहुराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य मल्टी नेशन स्टेट, बहुत का राष्ट्र मिलके बनल एगो राज्य रहैया, इहो नेशन स्टेट अवधारणा के विस्तारित स्वरूप बाटे। जात भाषा धार्मिक संप्रदाय रूप रंग के राष्ट्रीयता के आधार मान ले रहैया। इहो सिद्धांत में जात भाषा धार्मिक संप्रदाय रूप रंग फरक फरक होला के बाद फरक राष्ट्र होय वाला अवधारणा राष्ट्र राज्य के अवधारणा में एकर जड़ बा। कोनो भी राष्ट्र राज्य के रूप में विकास होय वाला विचार राष्ट्र राज्य के मान्यता में होला के कारण से कोनो भी वक्त बहुराष्ट्रीय राज्य फूटे वाला संभावना रहैया। एक उदाहरण के रूप में युगोस्लाविया के ले सकै छी। सन 1989 तक युगोस्लाविया नाम के राज्य अस्तित्व में रहला। फरक फरक जात भाषा समूह के राष्ट्रीयता के आधार मान के एगो राष्ट्रीय में रहलक युगोस्लाविया, जहाँ बा क्रोट्स, सर्ब, मेसोडेनियन, स्लोवेन, बोस्नियन, मुस्लिम, मोंटीनेग्रन जैसन जात जनजाति फरक फरक राष्ट्रीयता रहल। एगो युगोस्लाविया राज्य भीतर रहे फरक फरक राष्ट्रीयता के आधार में रहल जात सब बीच जातीय तनाव रहले मातुर सैनिक दबाव के कारण एगो राज्य में रहल बाधे रहलक। सैन्य शक्ति के दबाव के कारण एक लाइन रखले सफल राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो के मरला के बाद फरक फरक राष्ट्रीयता के बीच द्वंद्व शुरू भ गेल, जौन कारण से एक के बाद एक टुकड़े चल गए। मेसिडोनियन, बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आरो राज्य सब में ऊ राज्य में से भी सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो जैसन दू राष्ट्रीय राज्य सब फिर टुकड़ा भेके सर्बिया आ मोंटेनेग्रो नाम के दू गो फरक फरक राज्य बनलक। औसी मुस्लिम बाहुल्य रहल कोसोवो सर्बिया से अपने आप के स्वतंत्र घोषणा कर लेलक। जात भाषा आ धार्मिक संप्रदाय के राष्ट्रीयता आधार मानला के बाद युगोस्लाविया अपने टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित हो गए। नेपाल में बहुत एहन पार्टी बा जे नेपाल के बहुराष्ट्रीय राज्य दावी करैया। नेपाल बहुत किस्म के जात भाषा धर्म संस्कृति से भरल देश बाटे। यही सब किस्म के भाषा जात धर्म राष्ट्रीयता के आधार मान के नेपाल के बहुराष्ट्रीय राज्य दावी करम त ई प्रतिगमन होइ औसी दोसर ओर कहियो न टुकड़े वाला घृणा संघर्ष के षड्यंत्र हो जाए। नेपाल में 121 को से भी ज्यादा भाषा भाषी बाटे, 125 को भी से ज्यादा जनजाति सब बाटे। आधा दर्जन त धार्मिक संप्रदाय बाटे, एगो भाषा भीतर भी फरक फरक जात बाटे आ ऊ जात भीतर भी फरक फरक गोत्र बाटे। जिला के बात छोड़ू ओहन एगो वार्ड न बा जहाँ बा एगो भाषा एगो जात एगो धार्मिक संप्रदाय मात्र रहैया। नेपाल के सगुन वार्ड भी विविधता से भरल बा। एहन किस्म के सामाजिक अंतर्घुलन भे गेला के बाद नेपाल जैसन देश में यूरोप के फरक परिवेश में स्थापित होइल बहुराष्ट्रीय राज्य सिद्धांत लाजन त फरक फरक राष्ट्रीयता के बीच घृणा प्रतिस्पर्धा द्वंद्व के श्रृंखला शुरू हो जाए। राज्य राष्ट्र सिद्धांत जन्म के आधार में निर्धारण होय वाला जात धर्म भाषा रूप रंग सबके राष्ट्रीयता के आधार माने वाला बात राज्य राष्ट्र सिद्धांत प्रष्ट रूप में अस्वीकार करैया। इस सिद्धांत में राज्य विशेषण के ठाव में रहैया त राष्ट्र विशेष्य के ठाव में रहैया। राज्य राष्ट्र के विशेषता राज्य के आधार में राष्ट्रीयता निर्धारण होय के कहैया। पूर्वीय मान्यता में राज्य के आधार में राष्ट्र निर्माण होय वाला पद्धति भेला से राज्य आ राष्ट्र के एउटे अर्थ देवे वाला फरक शब्द के रूप में भी बुझले बाटे। जौन सिद्धांत में राज्य वैधानिक राजनीतिक अर्थ बोकैया त राष्ट्र सांस्कृतिक समष्टि के बुझाई। एकर प्रष्ट मान्यता बा कि केकरो राष्ट्रीयता ओकर जात धर्म भाषा रूप रंग से न होय, जे जौन राज्य के नागरिक बा उहे राज्य के राष्ट्रीयता रही। मातुर केकरो भी सांस्कृतिक पहचान आ अधिकार में आघात न पुगा के लागि संरक्षण आ प्रवर्धन के व्यवस्था होय। नेपाल राज्य के नेपाली इहवा के सबुन भाषा भाषी जात जाति धार्मिक संप्रदाय के राष्ट्रीयता होय। राज्य नागरिक के हैसियत में रहल सबुन संगे समान व्यवहार करी कोनो भी विभेद न होय। नागरिक चाहे राजनीतिक अधिकार आ सांस्कृतिक अधिकार के घालमेल
न कह के विशिष्ट व्यवस्था रहिया राज्य राष्ट्र में। हमने जैसे विविधता से भरल देश में रहल बहुत किस्म के संप्रदाय भाषा चाहे सांस्कृतिक जगेरना आ प्रवर्धन भी राज्य राष्ट्र सिद्धांत करैया। राज्य राष्ट्र के मर्म चार गो बात में समेटे के मिल जाए। राज्य ही राष्ट्र बाटे भू राजनीतिक वैधानिकता आ सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व के समिष्टि ही राज्य राष्ट्र बाटे। राष्ट्रीयता के परिभाषा आ व्याख्या में राज्य ही निर्धारण तत्व होई। औसी ही नागरिक चाहे राजनीतिक अधिकार आ सांस्कृतिक अधिकार के विशिष्ट व्यवस्था हो। नेपाल प्राचीन काल से राज्य राष्ट्र के रूप में अनवरत रूप से अस्तित्व में रहल बा। राज्य राष्ट्र के रूप में प्राचीन काल से अनवरत रूप में चलल नेपाल राज्य यूरोप के जैसन कोनो एगो जात भाषा वर्ण धार्मिक संप्रदाय के राष्ट्रीयता के आधार मान के स्थापित न होल बाटे। समय क्रम से यूरोप के देश सब में भी अखनी पहला जैसन एगो प्रजाति जाति भाषा धार्मिक संप्रदाय के बसोबास न बा। विविधता के कारण से वह देश में राज्य राष्ट्र सिद्धांत अपनाए वाला स्थिति आ गेल बा। वही से नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले आर राप्रपा केहनो दाबी करी तका मातु नेपाल राष्ट्र राज्य न बाटे। नस्ल आजाद के आधार मान के मधेश केन्द्रित दल जे दाबी करैया दुई राष्ट्रीय राज्य भी न बा। भेटल जितना विभिन्नता के रख के राज्य बनाए के कहे वाला बाबू रामभट्टराय उपेन्द्र यादव लगायत जाति संगठन सब दाबी करल जैसन बहुराष्ट्रीय राज्य भी न बा नेपाल। आउटडेटेड हो गेल यूरोप केन्द्रित ई सिद्धांत। यूरोप भी आज विकल्प के खोजी में आ गेल बा। प्राचीन काल के भू राजनीतिक वैधानिकता राज्य सब नेपाल आंध्र अम अवंती भद्रासव द्रविड़ कलिंग कोसल गंधार मगध मालव ओड्र पंचाल बंग वाहलिक सिंधु महाराष्ट्र सब में नेपाल आज भी स्वतंत्र भू राजनीतिक वैधानिक राज्य के रूप में अवस्थित बाटे। बहुत कालखंड में बहुत शासक सब शासन कैलक। समय समय में एकर सीमाना में परिवर्तन भेल मातुर राज्य राष्ट्र के रूप में नेपाल के भू राजनीतिक वैधानिक मान्यता प्राचीन काल से सुरक्षित बाटे। राज्य राष्ट्र के हैसियत चलल नेपाल आज भी संसार के सबसे पुराना राज्य सब में से एक बा। राज्य में रहल जात जाति भाषा समूह धार्मिक संप्रदाय सांस्कृतिक पहचान क्षेत्रीय पहचान आदि विविधता के समेट के एगो रहे वाला स्थिति राष्ट्रीयता है जौन राज्य मार्फत प्रतिबिंबित होया। जैसे अम्ल एसिड आ क्षार बेस के पृथक पृथक गुण होया मातुर एक आपस में मिलैला के बाद लवण बनैया। लवण बने में दोनों के भूमिका रहैया मातुर खाली लवने के चाहे खाली छारे के कारण से लवण बन ले बा उ न कह सकम। ठीक हौसी नेपाल के राष्ट्रीयता बहुत किस्म के जात जाति भाषा समूह धार्मिक संप्रदाय सांस्कृतिक पहचान क्षेत्र पहचान के एक जोड़े होला के बाद विकसित होए वाला राज्य राष्ट्र के मान्यता बाटे। मध्यकालीन नेपाल मंडल के राज्य राष्ट्र के जीता जागता उदाहरण के रूप में ले सकै छी। नेपाल राज्य स्थापित भेला के बाद ओकर मूल चरित्र ही राष्ट्रीयता बा जौन राष्ट्रीयता निर्माण करे वाला इहाँ के बहुत किस्म के भाषा जात जाति धार्मिक संप्रदाय के भूमि रहल बाटे। धन्यवाद।